हाँ सूख रही है सुबह सुबह गोभी, क्योंकि आज बनाएंगे गोभी के पराठे। पानी ना छोड़े, ऐसे पानी तो बहुत है इनमें। अच्छा अभी रखे हैं क्या? अभी रखे हैं जैसे ओके पता चलो, चले कि माँ थोड़े दिन से धूप बड़ी अच्छी निकल रही है। अच्छा प्रो प्रो जो कुतरते हो, मैंने लगे हीरे जो कुतरोंगे। अच्छा, तभी मैं बोल रहा था मम्मी उसमें कुतरती है शायद, तो हैंडमेड वाले में। मम्मी आता तुसी यूज ही नहीं करते होने, फिर यह किसी चीज लिए भी नहीं करते। देसी स्टाइल ही चलता थोड़ा था हमारे लिए। ओके मैं जाना, मम्मी दही लेके आना। व्हाट्सअप एवरी वन, वेलकम बैक टू अर न्यू ब्लॉग। सो अभी जा रहा हूँ बस दही लेने, क्योंकि गोभी के पराठे बन रहे हैं आज, कंचन को खाने थे एक्चुअली। और क्या है, ठंड में ना फिर हम दही जमाते नहीं है घर पे, क्योंकि यूज़ ही नहीं होती है ज़्यादा। बस थोड़ी सी जितनी यूज़ के लिए चाहिए उतनी मैं बाहर से ले आता हूँ। पिछली बार आलू के पराठे बने थे तभी बाहर से लेके आया था। आटे में गूंद के भी बन जाती है, पर वो पता थोड़ी चल जाऊगा कितना आटा पौना कितना यही पौना। ये इतना क्यों छोड़ दिया? ये वो मैंने छोटी छोटी कर दी थी ना। अच्छा ये तो डंडल है। ओके दही दही डाल के ले आना, ठीक है? बाहर बैठ रहा हूँ मैं, धूप सेक रहा हूँ। रोटी तो खा ली है यार। हाँ देखो जी, सास बहू की कारीगरी, दो दो तवे, एक तवा हा, एक तवा हो, छेती छेती बनाऊंगा। मैं तो पहली बार, मैं तो पहली बार ही देखा है। सोनी है जड़ी, एक तवे पे दो रोटियां बना देती है। एक तवे पे दो रोटी, मम्मी दो तवे पे सात सात रोटियां। खुशबू आ रही है यहाँ तक, टेस्टी खुशबू आ रही है यहाँ तक। आम का चार भी चाहिए, हरी मिर्च का है? नहीं नहीं हरी मिर्च ही ठीक है, तुम भी खा लो गरम गरम। ओके सो आपने आ चुके हैं गोभी के पराठे, बड़े ही दिनों बाद करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। देखो नीचे मेरे बगल में कैसे घुग्गियाँ घूम रही हैं। आइए आइए जल्दी आइए, को धूप लगवाएं, बहुत जरूरी है। सही अच्छी धूप निकली हुई है आज, काफी दिनों से अच्छी ही निकल रही है धूप दोनों। हाँ यही दोनों लगवानी है बस, थोड़ी सी वो हो जाएगी ना अच्छे से ऐसे बस। हाँ ऐसे नहीं, मैं कर देती हूँ ये लो। चलो 40 साल पुरानी रजाई है ना, तो अपलवा लो। हाँ ऐसे ही ठीक है अभी, आधे आधे में। हाँ ऐसे कट्ठी करके रख दूँ थोड़ी सी ना, बस वो थोड़ी सी खोल दो उसको। हाँ बस हो गई। दीवारों पे लटका दे से पड़ती ना? नहीं वो गंदी है यार, बहुत धूल मिट्टी है उस पे। मम्मी दिख रही हैं? मम्मी नहीं दिख रही ना, सब पे नाइस। यहाँ शायद घोंसला बना रहे हैं, किधर है किस तरफ है? ओए ओए सॉरी सर, अरे मेरा पैर लगा, मेरा पैर लगा है यार। दिख रहा है कुछ? ये हमारा स्टोर रूम है, ये देखो लकड़ियाँ पड़ी हैं एक तरह से, मतलब जगह पड़ी तो लकड़ियाँ डाल दी ना जो बची नहीं थी, दरवाजे खिड़कियाँ बनाने में अभी तक संभाल के रखी है। ये मेरे ख्याल से देखो ये रहा घोंसला गंजन, एसी के उधर। नहीं नहीं उधर भी नहीं है। हाँ घोसला नहीं है, लकड़ी रख के बैठे है क्या? शायद वो पुराना होगा फिर। ऊपर भी रखते हैं, घोसला बना ले, ऊपर नहीं बना दे, मशीन खराब हो जाती है मशीन। अरे राजवीर शिट, ये कबूतर मशीन मशीन के अंदर घोसला बनाते हैं यार, मशीन के अंदर। हाँ मैंने कितनी बार मुंबई में ठीक कराया भूल गए, तो मशीन के अंदर से बुलाती थी मशीन ठीक कराने, वो देखता था घोसला बना हुआ, मशीन के अंदर बनाते हैं। डैडी को बोल देंगे एक बार चेक कर लेंगे। मशीन चेक करना, खराब कर देते भाई मशीन। तो मैं ये वाली बॉटल्स
बोतल लेकर आई हूँ सिकाई के लिए। तो अभी मम्मी ने बताया कि ऐसी वाली वो भी आती थी, ये पूरी 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 चादर करने वाली जो होती है, तो उससे भी पूरी सिकाई हो जाती है अच्छे से। ये अभी भी मिलती है ये चादरें? मिलती है जम्मू कश्मीर के, नहीं मिलती है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। अच्छा, थी आपके पास? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं थी, हाँ दूसरे के पास देखा था। अच्छा, बट ये सही होती है ना सिकाई के लिए? ये बहुत काफी इसका फायदा होता है सिकाई विकाई के लिए ना, इलेक्ट्रिक वाली होती है, आराम से इसको चार्ज कर दो देन इसे यूज कर लो। वैसे इस वाली बोतल, इसमें दूसरी वाली भी बोतल आती है जो पहले यूज होती थी, पानी वानी डाल के उबाल के जिसमें करना होता है, बट इसका फायदा ये है कि ये बहुत जल्दी ना गर्म हो जाती है, चार्ज करना पड़ता है, पानी वाला झंझट नहीं होता। तो मुझे तो काफी सही लगी ये वाली बोतल ना। और क्या, आलू बन गए तुम्हारे? फिर मैं मैगी यहीं चक्के ले आया। हाँ, मैंने कहा मुझे, हमें लगा कि जब तक तुम आओगे ना तब तक सब्जी रोटी तैयार कर देते, मैगी मूगी तुम ऐसे ही खाओगे। ऐसा लग रहा है मटका रखा होता है सर पे, ये मुझे भी बाय गुड। आलू बन चुकी, रोटी बना देती हूँ। तुम कैसी लग रही है दाढ़ी? वाला नहीं बोली और की गल्ला कीतियां और दादो किथे कर लू? नहीं, बाल नहीं कटवाए मैंने, दाढ़ी कटवा के आया सिर्फ। हाँ, बाल लंबे रखने आपा। हाँ, तो अभी जस्ट कितने बज रहे हैं? 7:15 बजे दाढ़ी बाल कटा के आए, क्योंकि कल से जा रहे हैं मासी करे, अभी जब नहाना पड़ेगा शाम को, नहाते हैं, गीजर ऑन करते हैं पहले। करे मम्मी ने क्या, हम फास्ट जनानी हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे ऑन तो पहले ही ऑन करके रखता, पहले सोच लिया, आटा बार निकाल दिया तुम्हारे लिए, आपकी मैगी मूगी रह देंगे, रोटी सब्जी बना के खिला देंगे। तुसी तो इतनी तैयारियां कर ली मेरे लिए, पता नहीं कितना स्पेशल बंदा आ रहा होता है, गीजर ऑन रोटी तैयार, बस आके परोस देंगे, कितने शिकायत का मौका ना दे देवे। चलो ठीक है, ओके, मैं खादा नहीं, सवेर दी खट्टी हुई रोटी ना, 12 बजे दिन किन्ने हो गए, 7-8 घंटे हो गए खादे ने रोटी, हो गए बेज। क्यों नहीं नानी की जरूरत, दाढ़ी कटवाई है, नौ नहीं है, ठंडे दे जाइए तो। ये देखो शेर तक बाल गिल देने, कैसा लगा फिर आज? ओए आया, कैसा लगा, क्या पहली बार ना आया? चलो सिस्टर ना पूरा ना आता है यार, शेर पे ना होगा तो पेट से पानी नहीं जाऊ। चलो अब बना दूं मैं, जब 4 बजे ठीक है, मैं 4 बजे उठ के ना आऊंगा फिर, मैं सवेरे 4:30 बजे क्या 4 बजे की गल कर रहा हूं, मैं के दिन बाथरूम का नोट है सवेरे 4 बजे अगर जिंदगी तरक्की करनी है ना, 8-10 नियम है, एक तो उठने की आदत, जिंदगी तरक्की करनी साझे उठने की आदत पाओ, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी योगा वगैरह पक्का करो, ठीक है। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਬੇਸਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਚ ਦੇਖ ਕੰਜ ਤੇਰੇ ਗਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ
ਤੁਹਾਰੇ ਕਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈਣ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ